हरिओम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अब पता नहीं आप लोग ये वीडियो कब देखो, इसलिए तीन एक साथ ही बोल रही है। माय नेम इज मिराज चौरसिया एंड आई एम फ्रॉम 10th ग्रेड। टुडेज माय टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कुछ डायग्राम, ज़्यादा नहीं है थोड़े ही, और रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। छः होती है, वो छः हम सारी बताएंगे। तो मेरे पास है अभी व्हाइट बोर्ड। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है इसलिए, लेकिन आप पूरी देखना क्योंकि मैं पूरा अच्छे से और पूरा बताऊंगा। तो रिफ्रैक्शन, सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन नाम सुनते ही अभी पता नहीं है तो दिमाग में आएगा रिफ्रैक्शन होता क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसका मतलब क्या होता है, जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, और वो रेयर भी हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। जब लाइट एक मीडियम से आ रही है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले दूसरे मीडियम में जाते हुए, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसकी एक और डायग्राम, एक और डेफिनेशन है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट कैन बी रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट है, मतलब लाइट का घूमना, लाइट ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट कैन बी रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। ये वही है कि रेयर से डेंसर में जाएगा और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट है, वेन लाइट पास थ्रू रेयर टू डेंसर इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। आपको पता है कि जैसे जो भी रहता है उसका एक नॉर्मल रहता है जो स्ट्रेट रहता है। अब जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, सपोज कर लो एयर है और ये वाटर है नीचे, अब जब ये लाइट आ रही है तो ये सीधी नहीं आएगी, ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ झुक जाएगी। जैसे आप सपोज कर लो ये लाइट है, ये एक तो अपना मीडियम का ये हो गया, ये लाइट है ये यहाँ से आ रही है ना, ये अपना हो गया नॉर्मल। अब ये सीधी नहीं जाएगी, नहीं तो ये रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ये इसकी तरफ झुक जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और व्हेन लाइट पास थ्रू डेंसर टू रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ, अब जब डेंसर जो है वहाँ से जब रेयर में जाएगी लाइट, तो वो लाइट उसके वापस से ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी, ये उससे दूर जाएगी। ये देखो, ये है अपना हाथ, ये लाइट, ये नॉर्मल। अब इसमें रेयर टू डेंसर में क्या हुआ, इसके पास आई, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये इससे दूर है, ये इससे दूर जाएगी। अब ये सीधी नहीं है, ये इस तरफ जाएगी, थोड़ा ब्लैक, ये वाइट बोर्ड की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये ऐसा है ना। तो अब देखेंगे हम इसके कुछ डायग्राम्स। रिफ्रैक्शन में हमको कोई ज़्यादा डायग्राम नहीं पढ़ने, हमारे पास एक दो ही रहते हैं, क्योंकि बाकी जो रहते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रहते हैं जो समझना है ना। तो ये रिफ्रैक्शन में एक ही डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसमें आप पहले सपोज क्या मान लो कि ये है एक कांच का ग्लास, ये डेंसर का काम करेगा हमारे लिए। तो समझिए ये जो इंसिडेंस रे है ये इस एंगल से आ रही है, जब ये अंदर डेंसर में जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी नॉर्मल के, इतना तो अभी हमने देखा था है ना। लेकिन जब ये वापस इसके बाहर निकलेगी तो ये दोनों जो रहेंगे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी तो ये रेयर से डेंसर में आ रही थी इसलिए बैंड हुई, लेकिन ये जो लाइट अब जा रही है ये तो डेंसर है ना, डेंसर में, डेंसर से रेयर में जा रही है, इसलिए ये अवे होगी नॉर्मल से। बस इतना ही है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, तो अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं ये वीडियो इतने पार्ट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ आ रही है। नहीं तो एक पार्ट में तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए अलग अलग पार्ट में बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तीन रूल होते हैं इसके, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो भी धीरे धीरे बन जाएगा। पहला, इफ अ लाइट रे पासेस पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज थ्रू F2। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सी भी लाइट रे इन्फिनिटी पे आ रही है या कहीं पर भी रखी है, यहाँ रखी है, अगर ये पैरेलली आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से
नहीं ऑप्टिकल सेंटर नहीं है सॉरी, हाँ पैरेलली आ रही है। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद F2 पे से जाएगी, ये सीधी आई है, अब ये इसकी डाइवर्ट हो जाएगी। सेकेंड, इफ द रे पासिस थ्रू F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसका उल्टा है, पहले क्या देखा था पैरेलली आ रही है तो F2 पे से जा रही है, अब हम देखेंगे, अब ये पैरेलली तो है नहीं, ये F1 पे से अगर जाएगी तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या है, अ लाइट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डू नॉट गेट डाइवर्टेड। इसका सिंपल से है कि अगर कोई सी भी लाइट किसी भी एंगल से यहाँ से आ रही है यहाँ से आ रही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पर से जाती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं ना, कोई सी स्पेस ही नहीं बची इसके रिफ्लेक्ट होने की, एकदम सेंटर पर से जानी तो ये सीधी जाएगी। तो ये इतने ही थे रूल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में यही तीन चीज़ें यूज होती हैं। तो हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। हमने तीन रूल से पता कर लिया है कि कैसे कैसे इमेज बन सकती है और लाइट कैसे कैसे जाएगी, और ये हम इस पूरे जितने भी फॉर्मेशन है इन सब में ये तीन रूल ही काम आते हैं। अब हम देखते हैं कैसे, अब ये मैंने पहले से ही सब कुछ बना के रखा है यहाँ पर, ये तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप भी फिर बोर होते धीरे धीरे, इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखे हैं। और हाँ, ये मत पूछने लग जाना कि बाकी दो कहाँ पर है, क्योंकि अभी चार ही बनाए, जगह नहीं थी तो अब उनको बात करता हूँ। हाँ तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मतलब लाखों करोड़ों दूर, इन्फिनिटी मतलब जो अभी हमने मेजर नहीं करा, कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, वहाँ भी हो सकता है, और दूर हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है। हाँ तो अब देखते हैं, जब ये पैरेलल आएंगी तो हमने देखा था तब पैरेलल आएगी तो F2 पे से, अब ये जब जो लाइटें पैरेलल आ रही हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद F2 पे मीट करेंगी, और जहाँ ये मीट करेंगी ये होगी इसकी इमेज फॉर्मेशन की जगह। अब इसकी इमेज देख लेते हैं, पोजीशन क्या है एट F2 पता है, नेचर क्या है रियल इन्वर्टेड। हाँ इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि इसमें जितनी भी चीज़ें राइट साइड बनती हैं वो रियल होती हैं, क्योंकि उस साइड प्लस का साइन है, इस साइड माइनस का। हाँ अब ये जितने भी केस हैं इन सब में हमें प्लस का साइन ही मिलेगा, मतलब कि रियली इमेज बनेगी, बस जो सिक्स केस है आखिरी उसमें हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी, वो आपको बाद में पता चलेगा केस। हाँ पोजीशन मतलब इसका साइज क्या है, पॉइंट साइज बहुत ही बारीक बनेगी, एकदम छोटी सी। अब अगला देख लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, अब ये इसके पीछे है हमें पता है कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है 2F1 पे, ये जो हाइट है यहाँ से हमने लाइट रे पास करी है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये तो 2F2 से जाएगा और ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगी। अब ये जिस जगह पर ये दोनों चीज़ें मीट करेंगी वो जगह कहाँ रहेगी, F2 और 2F2 के बीच में, इमेज में पता चल जाएगा। देखते हैं पोजीशन क्या है इसकी इमेज बनने की, बिटवीन 2F2 एंड 2F2 पर। इसका साइज़ क्या रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड पता ही है, ये तो अभी वहाँ तक फिफ्थ केस तक हमें रियली मिलेंगे। अब ये एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसमें ऑब्जेक्ट की, कि ये हम पता कर सकते हैं इसकी लेंथ के हिसाब से। ये देखो आपको एग्जांपल से सीधे बताते हैं कि ये जैसे 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 ये इसकी जो हाइट रहेगी ये स्मॉलर कैसे पता चलेगा, जहाँ इमेज बन रही है उससे लेकर ये प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर वो इमेज तक का डिस्टेंस हमें देखना है। और इसका जैसे हम देख लेते हैं, ये है कुछ 2 सेंटीमीटर और ये कितना है, ये लगभग 1 है, मतलब 1 से थोड़ा ही ज़्यादा है, तो मतलब ये छोटी है। अब हम इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा वैसे वैसे इमेज बनने का डिस्टेंस भी दूर होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, और इमेज का साइज भी एकदम बड़ा होता जाएगा। देखते हैं थर्ड केस में आपको पता चलेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, मतलब ये अब 2F1 पे आ गया है, ये हमने करा, ये दिख ही रहा है, अब ये बनेगी कहाँ पर, 2F2 पर नीचे, और इसका जो साइज रहेगा सेम रहेगा, इमेज में देख लेते, पोजीशन 2F2, साइज सेम इज ऑब्जेक्ट, मतलब अभी ये बराबर है, ये देखिए ये टू अब ये बराबर है ना, नीचे रियल इन्वर्टेड पता है। चौथा केस, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, अब ये जरूरी नहीं है कि एकदम इसके सेंटर में ही हो, इन दोनों में कहीं पर भी ले सकते हैं अपन, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद अब इसकी जो इमेज बनने की जगह होगी वो 2F2 के भी पीछे रहेंगे, कहाँ, यहाँ, ये इसमें यहाँ कहीं बनेगी 2F2 के, ये दिख रहा है 2F2 कहाँ पर है, इसके पीछे इमेज क्या है, पोजिशन बियॉन्ड 2F2 कहीं भी बन सकती है, वैसे हमने लेंथ मेजर करी नहीं है। हाँ साइज़ बिगर देन ऑब्जेक्ट,
अब ये जो पांचवा छठा केस है इसमें भी साइज बढ़ते जाएगा क्योंकि हम पास लाते जा रहे हैं और ये लेंथ भी इसकी बढ़ते जा रही है। अब तो ये इसमें मेजर करने की जरूरत ही नहीं, आपको ऐसे ही दिख रही है। नेचर क्या है इसका, रियल इन्वर्टेड, अब पता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगले पांच और छठा केस। हाँ, तो ये हमारे दो केस बचे हैं, जगह ज़्यादा थी इसलिए मैंने बड़े बड़े बना दिए। सीधे देखते हैं फिफ्थ केस। इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट F1, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ F1 पे होगा तो ये यहाँ जाएंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा है कि कहाँ मीट होगी जो कि ये बहुत दूर जाके बनेगी, इसलिए तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, पोजीशन क्या होगी इसकी, कि एट इन्फिनिटी। अब हमको पता नहीं है कहाँ बनने वाली है, इसलिए इन्फिनिटी बहुत दूर बनेगी। नेचर रियल इन्वर्टेड राइट साइड बनती है तो रियली होगी। साइज कैसा होगा, इन लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली बनेगी। सिक्स्थ केस। हाँ, अब ये था जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगी और इसका थोड़ा अलग दिख रहेगा। तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट ये इतनी पास आ जाएगा, मतलब यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, तो कैसी इमेज बनने वाली है। ये अलग ही आपको दिख रहा है कि ये यहाँ बनेगी ही नहीं, ये दूर ही जा रही है इमेज, तो कोई चांस ही नहीं इसका बनने का, ये बढ़ते जा रही है। तो हम सपोज करते हैं कि ये यहाँ बने, मतलब लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि अगर इस साइड रिफ्लेक्ट हुए तो ये किस साइड बनने वाली है, तो ये यहाँ गए 2F1 के पीछे, थोड़ी सी गलती हुई होगी इसलिए यहाँ 2F1 के ऊपर दिख रही है लेकिन पीछे बन रही है। इमेज के सी पोजीशन 2F1। अब आप ये मत सोचना कि इमेज तो बन नहीं रही है तो क्यों 2F1 बताए, क्योंकि यहाँ हम सपोज तो कर रहे हैं ना बनेगी इमेज। नेचर क्या हुआ, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि अब ये था आखिरी जिसमें रियल नहीं बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है। और साइज इसका मैग्नीफाइड। ये थे छः केस, ये थे हमारे छः।